कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। इस बीच एक बड़ी खबर गलवान वैली से आ रही है, जहां पर भारत के सैनिकों की शहादत पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बोलते हुए पीएम को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी अपने बयानों के जरिए चीन को खुद को सही साबित करने का मौका दे रहे हैं। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है, मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है, हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूं, शानदार देखता हूं, जानदार देखता हूं। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? देश तेज गति से बदल रहा है, आवश्यकता है उसको सही मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो अपने आप का नाम मिल सकता। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है।